हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानर पीके। और आज के एक नया सेल रिव्यू मैं आपको लेकर आया हूँ, आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज से वीडियो के अंदर मैं आपको सेल एंड परचेज की टॉपिक है। तो आज जो गाड़ी फॉर सेल है वो है सुजुकी जिम्नी 2014 मॉडल। तो पूरी गाड़ी का रिव्यू भी दूंगा और साथ में उसकी सेल प्राइस भी बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और आपने वीडियो एंड तक जरूर देखी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। अच्छा, तो दोस्तों अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता चलूं तो ये है सुजुकी जिम्नी 4x4। और बाहर से आपके मैं इसके लुक एंड फील के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इस टाइम जो है ग्रे ग्रे मेटालिक कलर के अंदर है। और गाड़ी ही अगर हम व्हील्स की तरफ चले जाए तो इस टाइम इसके अंदर जो है 15 इंचज की रिम्स जो है इंस्टॉल्ड है, और डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर दी गई हैं, और साथ में जो है आपको इसकी सस्पेंशन भी नजर आ रही होगी। तो क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, और दूसरा आपको एक अच्छी एवरेज भी देती है, फ्यूल एवरेज भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर पीछे चले जाएँ तो पीछे भी आपको अलॉय रिम्स मिल जाती हैं, क्योंकि ये जैपनीज गाड़ी है तो इसके अंदर अलॉय रिम्स वैसे ही फिटेड आते हैं। तो इसके साथ साथ इस्लामाबाद नंबर गाड़ी है, और आगे से इसकी लुक के बारे में बात करते चले तो यहाँ पर आपको जो है लो हाई बीम के साथ जो है वो हेडलाइट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी अगर देखा जाए तो एक एग्रेसिव लुक भी दे रही है। अगर आप इसके आगे ग्रिल लगवा लेते हैं, कुछ मॉडिफाई करवा लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपको आगे क्रोम प्लेटेड ग्रिल नजर आ जाती है। ऊपर हुड के अंदर जो है वो एयर इनटेक के लिए एक एग्जॉस्ट पैसेज दिया हुआ है। इसके साथ साथ पीछे चलते चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है बैठने के लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट दे दी गई है। और इसके अलावा जो है पीछे चलते जाए तो यहाँ पर एक जीप की लुक की तरह पीछे जो है लाइट्स दे दी गई। मैं आपको पीछे का पीछे की जो लुक है वो अच्छी तरह दिखाऊंगा। और ऊपर जो है स्पॉइलर है। और अगर गाड़ी की बाहर से एक्सटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये अभी एक दो पीस टचिंग में होंगे। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर के बारे में। अच्छा, तो दोस्तों और आपको इसके बारे में बताता चलें तो यहाँ पर आपको बाहर जो है बिल्कुल ये टू डोर कार है और एक कॉम्पैक्ट कार है। तो यहाँ पर ये आपको फ्यूल टैंक साथ ही मिल जाता है इसका। और आगे अंदर इंटीरियर की बात करते चलें तो यहाँ पर पावर विंडोज आ जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है इसके डोर पैनल्स आ जाते हैं फाइबर के। और यहाँ पर साथ चलते चलें तो नीचे जो है आपको एक स्पेस मिल जाती है कोई भी आपको फाइल्स वगैरह रखने के लिए। और साथ में और चलते चलें तो यहाँ पर एसी आ जाता है, और पावर मिरर्स आ जाते हैं, साइड मिरर्स आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। और उसके बाद आगे चलते चलें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी गाड़ी आ रही है। और इसके अंदर आपके मीटर की बात करते चलें तो जो इसका मीटर है वो आरपीएम मीटर है, और आरपीएम मीटर में ये होता है कि ये आपको साथ साथ स्पीड स्पीड भी और साथ में आरपीएम भी दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 की है। तो क्योंकि ये 660 सीसी के अंदर है, 660 सीसी गाड़ी है, तो इसके अंदर इतनी ही स्पीड लिमिट है, और काफ़ी अच्छी फ्यूल एवरेज 14-15 की फ्यूल एवरेज भी दे देती है। लेदर सीट्स लगी हुई है इसके अंदर, और जो सीट्स हैं उसके बाद आगे चलते जाए तो हीटेड सीट्स आ जाती हैं इसके अंदर। और फिर यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले आ गया, एंड्रॉयड पैनल फिटेड है। और डैशबोर्ड की अगर मैं बात करते चले तो डैशबोर्ड जो है इस टाइम बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर, कोई कटा फटा वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर और चलते चले तो यहाँ पर आपके पीछे 4 सीट्स आ जाती है ये गाड़ी। तो पीछे की भी मैं आपको लेग स्पेस बैठ के बताऊंगा, और गाड़ी की क्या लुक एंड फील है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने पीछे बैठे हो तो यहाँ पर बैठने के लिए आपको आगे वाली सीट आगे हो जाती है, और फिर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको गाड़ी के पीछे की सीट्स के बारे में बताता चलूँ तो काफी अच्छी लेग स्पेस है। लेग स्पेस की बात करें तो मेरे जो जो मेरे घुटने हैं वो बिल्कुल फ्रंट सीट्स के साथ जुड़े हुए नहीं है, कोई काफी स्पेस है। हालांकि कॉम्पैक्ट कार है लेकिन काफी स्पेस है। फिर साइड में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है कप होल्डर्स मिल गए, और गाड़ी जो है एक हिसाब की आपकी ऑफ रोडिंग के लिए और फैमिली कार के लिए भी काम आ सकती है। इसके साथ साथ पीछे सीट्स के बारे में देखते चलें तो यहाँ पर सीट्स के अंदर जो है ये जो आपका हेडरेस्ट है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट भी हो जाता है, ये देख सकते हैं आप, और काफी अच्छी आप अपना हेड भी रेस्ट में आपका रह सकते हैं। और साथ साथ इसके साथ साथ मैं आपको अगर बताता चलो तो यहाँ पर जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो पावर स्टीयरिंग आ जाता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है आपको जो मीटर है इसका, उसके अंदर जो आपको नजर आ रही है वो हीट एंड कूल की जो है वो एक आपको फंक्शन मिल जाता है। और उसके बाद जो है फ्यूल है का दिखा देती है। तो ऊपर देखते चले तो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है ऊपर एक इधर, और इसका जो बैक मिरर है वो मिल जाता है। तो
चलते हैं इसके पीछे की लुक की तरफ और आपको इंजन भी दिखाते हैं। अगर हम गाड़ी की पीछे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अदद आपको पीछे स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि जीप की तरह आपको जो ऑफ रोड कार्स होती है उनमें नजर आता है। और इसके अगर हम बाहर से वो क्या मिरर्स की भी बात करें तो ये भी आपको कुछ ब्लैक टिंटेड नजर आ रहे हैं और 15% के साथ आ रहे हैं। आगे हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इंटीरियर की बात करते चलें तो यहाँ पर आप इसका इंटीरियर नहीं बल्कि इंजन की बात करते हुए चलें तो यहाँ पर इंजन के अंदर आपको ये 660 सीसी के अंदर 660 सीसी के अंदर है और टर्बो चार्ज इंजन है इसका, मतलब कि आपके जो ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन गाड़ी है। और यहाँ पर जो है आपको देखा जाए तो ये इसका रेडिएटर आ जाता है और उसके बाद फिर जो है ये इसका एयर एग्जॉस्ट आ गया और फिर यहाँ पर जो है ये पूरे कूलेंट के लिए अलग से यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया और यहाँ पर जो है फिर नीचे आपको इंजन इसका नजर आ रहा होगा और नीचे ही इसका जनरेटर आपको नजर आ रहा होगा। तो गाड़ी काफी अच्छी और साफ सुथरी कंडीशन के अंदर आप देख ही सकते हैं। तो अगर कोई भी भाई इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्टेड हो और ये गाड़ी जो है ये पेट्रोल के ऊपर है इस टाइम और इसके साथ साथ अगर कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जरूर रब्ता करें। तो नंबर नोट कर लें आप 03-15-529-6442 03-15-529-6442। और गाड़ी की लोकेशन के बारे में बात करते चले तो ये है मेन मरी रोड रहमानाबाद रावलपिंडी, मरी मोटर्स जो शोरूम है उसके ऊपर ये गाड़ी अवेलेबल है और शॉप नंबर NE675। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह की कार इंफॉर्मेशन और कार रिव्यूज और सेल एंड परचेज के लिए की तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आपकी गाड़ी नहीं ले सकते और किसी और जो कि 4x4 और ऑफ रोडिंग का शौकीन है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।